विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कोठियाल के साथ उनके करीब 150 समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन की। आपको बता दें कि कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। साथ ही आपके अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। मंगलवार शाम को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में कर्नल कोठियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद कोठियाल ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी उम्र में हम कई बार फैसले लेते हैं, भावना में फैसले ले लेते हैं। कई बार कुछ फैसले सही होते हैं, कभी कभी कुछ फैसले गलत भी होते हैं। लेकिन अगर हम समझदार इंसान हैं और इसे मैं बोलूंगा मिड कोर्स, बीच में जाकर के अगर समझ में आए कि वो फैसला जो हमने लिया था वो सही नहीं है, तो उसकी ना करेक्शन, उसको ठीक करना, मेरे ख्याल से वो भी एक समझदारी की चीज होती है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मेरे बहुत सारे शुभचिंतकों ने ये चीज बोलनी शुरू कर दी थी कि हम आपके साथ जरूर हैं, लेकिन सर ये फैसला जो है ना आपका, आपको जरूर कहीं ना कहीं सोचने में डालेगा। अब ये इत्तेफाक की बात है। कोठियाल ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की चंपावत उपचुनाव में जीत होगी। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल के साथ ही प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने पिछले बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दिया था। कोठियाल का कहना है कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं सहित युवाओं की भावनाओं के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। उत्तराखंड में दीपक बाली की प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई। बाली के ताजपोशी कार्यक्रम से कोठियाल ने दूरी बनाकर रखी हुई थी। विधानसभा चुनाव में आपकी करारी हार के बाद संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। काशीपुर से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी बाली को पिछले हफ्ते आपकी उत्तराखंड में कमान सौंपी गई, जिसके बाद पार्टी में बगावत हो गई। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार के दौरान जब भी आपके संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड गए, तब तब कर्नल अजय कोठियाल उनके साथ दिखाई दिए। देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर चुनावी रैली तक कोठियाल केजरीवाल साथ दिखे। प्रचार के समय भी केजरीवाल ने कोठियाल की खूब तारीफ की। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।